नाउ वी आर कमिंग टू वन ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स. हम एक लैंडफॉर्म आज कवर करने वाले हैं एंड दैट इज योर माउंटेन्स. ओके, अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस. ये एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सर्फेस पर. नेचुरल एलिवेशन है, कोई ह्यूमन मेड एलिवेशन नहीं है. द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस. तो माउंटेन्स का समिट जो होता है दैट इज द पीक ऑफ द माउंटेन्स, ये स्मॉल होती है, और जिनका बेस होता है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता है. इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया ऑल्सो. जो माउंटेन्स होते हैं वो आसपास के एरिया से थोड़े से एलिवेटेड होते हैं. दैट मीन्स अगर आपके आसपास में से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव योर हाउसेज ओवर हियर और समथिंग एल्स लाइक गार्डन्स वगैरह कुछ है, तो माउंटेन्स आप देखेंगे कि वो हाइट में है और इनसे एलिवेटेड होते हैं. सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स. यू विल फाइंड कुछ माउंटेन्स की हाइट इतनी ज्यादा होती है दैट दे आर इवन हायर देन द क्लाउड्स. एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं माउंटेन्स की तरफ द क्लाइमेट कोल्ड होता जाता है, टेम्परेचर्स डिक्रीज होते जाते हैं. सो एज वी स्टार्ट मूविंग अप, जैसे जैसे हम माउंटेन्स ऊपर तक जाते हैं एक ऑल्टीट्यूड पर रीच कर जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर्स कम होने लग जाएंगे. यू विल फाइंड द टेम्परेचर्स आर वेरी वेरी कूल. इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. कई माउंटेन्स में आप देखेंगे फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस दैट इज ग्लेशियर्स मिलेंगे. ग्लेशियर्स हमने आपको दिखाए थे इन द प्रीवियस लेक्चर. आई शोड यू ग्लेशियर्स विच आर कंप्लीटली फ्रीज्ड. देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी. ऑल्सो यू कैन सी दैट कुछ ऐसे भी माउंटेन्स होते हैं जो कि आपको पानी के अंडर होते हैं. ठीक है, दे आर एक्चुअली अंडर द सी एंड दे आर नॉट विजिबल टू यू. वो आपको विजिबल नहीं होंगे. बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट वेरी लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज. माउंटेनियस एरियाज इतने डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज वहां देखो क्लाइंब करना डिफिकल्ट है. प्लस वहां ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है. प्रॉपरली फूड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है वहां पर मिलने में. क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्श है. कभी भी वहां अर्थक्वेक, सुनामीज, फ्लड्स आ जाते हैं. ठीक है, दैट इज वाई इन रीजन्स में, इन पर्टिकुलर माउंटेनियस एरियाज में आपको बहुत कम पॉपुलेशन मिलने देखने को मिलती है. सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस एंड लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग. क्योंकि माउंटेन्स का जो स्लोप होता है वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है. ठीक है, माउंटेन्स का जो स्लोप है वो बहुत स्टीप स्लोप होता है. दिस इज द स्टीप स्लोप. सो दैट इज वाई यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो यहाँ पर आप फार्मिंग या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी नहीं कर पाते हैं. ओके, माउंटेन्स मे बी अरेंज इन अ लाइन विच इज नोन एज रेंज. ये मैंने आपको बताया कि जब माउंटेन्स एक ऐसे लाइन में अरेंज होते हैं दे आर कॉल्ड एज रेंज. मेनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स. द हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज, दीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली. सो इफ यू रिमेंबर हमने ये माउंटेन रेंजेस डिस्कस करी थी इन द प्रीवियस लेक्चर. देन वी बी डिस्कसिंग द कॉन्टिनेंट्स. जब आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए थे आई एक्सप्लेन यू एट दैट टाइम हिमालय माउंटेन रेंज एशिया. ठीक है, एल्प्स माउंटेन्स हमने डिस्कस करे थे यूरोप में. एंड एंडीज माउंटेन्स, इफ यू रिमेंबर एंडीज माउंटेन्स जो कि आपके पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड हो रहे थे. ठीक है, माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप. माउंटेन्स का शेप अलग हो सकता है, उनकी हाइट अलग हो सकती है. देर आर थ्री टाइप ऑफ माउंटेन्स. देखो तीन तरीके के आपको माउंटेन्स मिलेंगे, थ्री टाइप ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं. एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, एक होते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स और एक होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स. नाउ सी व्हाट आर दीज. द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स. सो दिस मीन्स दैट जो आपके यू विल फाइंड सम ऑफ द माउंटेन्स विच आर फोल्ड माउंटेन्स. अब फोल्ड माउंटेन्स किसे बोला जाता है, तो यहाँ पर आप फिगर 6.2 पेज नंबर 40 पर देखें. यहाँ एक फिगर दे रखा है एंड इट शोड यू कि जो आपको क्रस्ट होता है वो ऐसे फोल्ड हो जाता है. ठीक है, एंड इसकी वजह से एक फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन होती है. फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन जो है वो आप इन डिटेल आगे नेक्स्ट यू नो हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, बट फॉर नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन वेरी ब्रीफ. देखो होता क्या है, आपको पता है इंटरनल प्रोसेसेस हैं इनसाइड द अर्थ. आप यू नो दैट देर आर सर्टेन इंटरनल प्रोसेस.
ठीक है, इंटरनल प्रोसेस चलते रहते हैं, और अर्थ जो है वो आपकी कंटिन्यूसली मूव कर रही है. ऑल्सो यू सी दैट ये आपका पूरा क्रस्ट है. दिस इज वॉट, दिस इज योर क्रस्ट. ये क्रस्ट है जो कि आपका लिथोस्फेरिक सरफेस होता है, हार्ड सरफेस है, रॉकी सरफेस होता है. सो नाउ वॉट हैपन्स कि ये जो आपका पूरा का पूरा क्रस्टल सरफेस है ना, ये यहाँ पर कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, प्लेट का मतलब होता है एक थिक लिथोस्फेरिक बाउंड्री. ठीक है, एक ऐसा आप मानो कि थोड़ा मोटा सा आप समझ सकते हैं लैंड का पीस, ऐसा समझो. ठीक है, सो वॉट हैपन्स कि इस तरीके से क्या है, यहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. सो वॉट हैपन्स कि सिंस देर आर मेनी प्लेट्स इन दिस क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है इस पूरे क्रस्ट में ऐसे बहुत सारी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज प्लेट्स. ठीक है, प्लेट्स, ये 100 किलोमीटर थिक लैंडमास कह सकते हो, एक बहुत मोटा सा आप कहो, यू नो 100 किलोमीटर थिक होता है ये, 100 किलोमीटर थिक लैंडमास कह सकते हैं इसको, जो कि आपके क्रस्ट में प्रेजेंट होता है. और ये जो प्लेट्स होती हैं ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं. दीज प्लेट्स कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूसली. नाउ व्हाट हैपेंस, जब दो प्लेट एक दूसरे के सामने आती हैं, ठीक है, सपोज करो ये प्लेट एक इधर आ रही है और ये प्लेट भी इधर आ रही है, सो यहाँ पर जो भी सरफेस होगा उस सरफेस पर ये प्लेट्स क्या करेंगी, प्रेशर क्रिएट करेंगी. वन प्लेट कमिंग हियर, वन प्लेट कमिंग हियर, दैट मीन्स बोथ द प्लेट्स आर कमिंग इन द सेम डायरेक्शन. जब दोनों प्लेट एक ही डायरेक्शन में आती है तो वो इस पूरे सरफेस पर क्या करेंगी, प्रेशर क्रिएट करेंगी, फोर्स क्रिएट करेंगी, और इसकी वजह से यहाँ पर एक फोल्ट डेवलप होता है, और इस फोल्ड से आप देखते हैं कि माउंटेन्स बन जाते हैं, जिसे बोला जाता है फोल्ड माउंटेन. क्या बोला जाता है, फोल्ड माउंटेन बोला जाता है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन यू. इन द फर्दर क्लासेस यू विल बी स्टडिंग इट इन मोर डिटेल्स. इसको आप समझ सकते हैं बहुत ही यू नो सिंपल एग्जाम्पल की तरह. से फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी दो प्लेट्स हैं, दिस इज योर वन प्लेट. आपके बुक्स को आप ऐसे ओपन करें, दिस वन साइड इज योर वन प्लेट एंड दिस इज योर अदर प्लेट. अब दोनों प्लेट्स क्या होता है, एक दूसरे के सामने आती हैं. तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने आ रही हैं, दे आर कमिंग इन वन साइड, तो यू विल फाइंड दैट दे स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रिएट अ प्रेशर, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ऐसे माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है. दिस इज योर फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है, सो दिस इज वॉट हाउ, दिस इज हाउ माउंटेन्स आर यू नो क्रिएटेड, फोल्ड माउंटेन्स. सो प्रेशर एक डेवलप करा जाता है उन प्लेट्स के द्वारा जो कि क्रस्ट के अंदर है. क्रस्ट जो सरफेस है उसके अंदर बहुत सारे प्लेट्स हैं जो कंटिन्यूसली क्या है, मूव करते रहते हैं. तो इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आप देखते हैं कि जब दो प्लेट्स मान लो सामने आ गई, तो जब ये दो प्लेट सामने आती है तो एक प्रेशर डेवलप करती है, जिसकी वजह से आपके फोल्ड माउंटेन डेवलप होते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स आर हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प माउंटेन. एल्प्स कहाँ है आपके, एल्प्स आर इन यूरोप एंड हिमालय माउंटेन्स आपके एशियन कॉन्टिनेंट में है. ठीक है, एंड ऑल्सो यू सी दैट ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं इनकी बहुत कोनिकल पीक्स होंगी, दैट दे विल हैव अ वेरी कोनिकल पीक. द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. अरावली रेंजेस इंडिया में, अरावली रेंजेस हैं राजस्थान में प्रेजेंट है ये अरावली रेंजेस. ठीक है, सो यहाँ पर आके ये अरावली रेंज आती है, एंड हियर यू विल फाइंड दैट दीज अरावली रेंजेस, दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स. ये जो आपके हिमालयस हैं और ये जो आपके एल्प माउंटेन्स हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, दीज आर यंग. इनका जो प्रोसेस था डेवलपमेंट का, फॉर्मेशन का, वो बहुत ज्यादा रिसेंट प्रोसेस है. ऑन द अदर हैंड अगर हम अरावलीज की बात करते हैं, सो ये अरावली माउंटेन रेंजेस जो कि आपके राजस्थान में है इंडिया के अंदर, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, सबसे पुराना. द रेंज हैज कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन. और ऐसा माना जाता है कि अरावलीज की हाइट बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतने लंबे समय से इरोजन के प्रोसेस की वजह से, इरोजन के यू नो फैक्टर्स की वजह से, एजेंट्स ऑफ इरोजन की वजह से अरावलीज की हाइट रिड्यूस हो गई है. एंड नाउ वी कॉल अरावलीज एज रेजिडुअल माउंटेन्स. और अब अरावलीज को पता है क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रेजिडुअल माउंटेन्स. क्यों, क्योंकि नाउ इनका हाइट इतना रिड्यूस हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इरोजन,
कि हम अरावली माउंटेन रेंजेस को अब है ना रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोलते हैं, ठीक है. द अपलेशियंस इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन रशिया, दे हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर ऑल्सो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ये भी आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में ही आते हैं. इफ यू रिमेंबर, यूराल माउंटेन्स जो कि एशिया और यूरोप के बीच में सेपरेट करते हैं, एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, दैट इज योर यूराल माउंटेन रेंज, ठीक है. एंड ऑल्सो यू सी अपलेशियंस जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका में थे. नाउ वी कम टू सेकेंड वन, दैट इज योर ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है क्रस्ट का, लिथोस्फेयर का, जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है तब आप देखते हैं कि ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं. द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट. जो अपलिफ्टेड पोर्शन होता है, जो भी लैंड है, उस लैंड का जब वर्टिकल मूवमेंट होता है और उस वर्टिकल मूवमेंट की वजह से एक पोर्शन आप देखोगे अपलिफ्ट हो जाता है और एक पोर्शन उसका नीचे ही रह जाएगा. तो जो अपलिफ्टेड पोर्शन है उसे हॉर्स्ट बोला जाएगा और जो डाउन वाला पोर्शन है जो नीचे रह गया उसे ग्रेबिन बोलते हैं. ओके, द राइन वैली एंड द वॉस्जेस माउंटेन्स इन यूरोप, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स. ओके, नाउ वी कम टू वॉल्केनिक माउंटेन्स. वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं. नाउ व्हाट इज अ वॉल्केनो? बेसिकली वॉल्केनो क्या होता है, आपके अर्थ सर्फेस के अंदर आपको पता है इंटरनल प्रोसेसेस हैं, ठीक है. ऑल्सो जो आपका अर्थ है, इनसाइड द अर्थ यू नो दैट एवरीथिंग इज इन द लिक्विड फॉर्म. यहाँ पर सारी चीजें कैसी है? लिक्विड है इनसाइड द अर्थ. सो वॉट हैपन्स जब एक प्रेशर क्रिएट होता है तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बाहर आ जाती हैं, और ये बाहर आती है लिक्विड स्टेट में एंड दे कम आउट इन द लिक्विड फॉर्म. तो जब ये लिक्विड फॉर्म में बाहर आती है तो ये इस तरीके से माउंटेन से बाहर निकलती है, और ये जो भी मटेरियल बाहर आता है लिक्विड फॉर्म में उसे बोला जाता है लावा. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज लावा. उसे क्या बोला जाता है? लावा बोला जाता है. फिर क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू सी कि ये जो लावा होता है ये सेटल डाउन होने लगेगा. ये जो आपके माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स के आसपास में ये लावा पूरा का पूरा सेटल डाउन होने लगता है, कूल डाउन होने लगेगा, और ये पूरा का पूरा लावा जो है यहाँ पर सेट डाउन हो जाता है, ठीक है. सो यू विल सी कि इस तरीके से माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये माउंटेन्स जो होते हैं ये वॉल्केनिक नेचर के होते हैं, बिकॉज जो इन माउंटेन्स का मटीरियल है वो एक वॉल्केनिक मटीरियल होता है जो कि अर्थ सर्फेस के अंदर से आया है. अर्थ के अंदर जितना भी मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है. जब एक प्रेशर लगता है तो अर्थ के अंदर से वो सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा, और जब वो बाहर आता है इट गेट्स स्लोली सेटल्ड डाउन. यहाँ पर वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगता है, ठीक है. इसको बोलते हैं लावा. तो ये जो माउंटेन्स हैं वो आपके वॉल्केनिक नेचर के होते हैं. लाइक यू हैव माउंट किलीमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फ्यूजियामा इन जापान. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स. ओके, तो ये एग्जाम्पल्स है आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स के. आपको पता है वॉल्केनोज कैसे दिखते हैं? हैव यू एवर सीन अ वॉल्केनो? किस तरीके से उनमें से लावा आता है बाहर निकल के? हाँ, हैव यू एवर सीन? सो आई जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ अ वॉल्केनो. वॉल्केनो कैसे इरप्शन होता है पूरा उसका एक पिक्चर देते हैं, सो दैट इट बिकम्स लिटिल बिट क्लियर टू यू. वॉट इज अ वॉल्केनो, हाउ इट लुक्स. सी ओवर हियर, यहाँ पर देखो ये ऐसे पूरा का पूरा इरप्शन होता है वॉल्केनो का. सो वॉट हैपन्स इनसाइड द अर्थ सर्फेस? आई टोल्ड यू इतना लिक्विड मटीरियल प्रेजेंट है, वो सारा मटीरियल क्या है? लिक्विड में प्रेजेंट होता है. तो जब अंदर से प्रेशर लगता है ना तो वो सारा मटीरियल क्या होता है? बाहर निकल के आएगा, और जब वो मटीरियल बाहर निकल करके आता है तो वो इस तरीके से इरप्ट होता है. इट इज सो हाई टेम्परेचर, इतना गर्म होता है ये. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ये देखते हैं कि यहाँ सेटल डाउन, कि धीरे 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 क्या होता है? सेटल डाउन होने लगेगा. तो इसकी वजह से ये जो माउंटेन्स बनते हैं ना इनको बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, और इनके ऊपर ये सारा का सारा इनसाइड द अर्थ वाला जो मटेरियल है वो यहाँ पूरा का पूरा कलेक्ट हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द वॉल्केनिक माउंटेन्स. और ये जो बाहर निकल के आ रहा है उसको बोला जाता है लावा. व्हाट डू वी कॉल इट? इट इज कॉल्ड एज लावा. क्लियर? ओके, नाउ कम टू फर्दर. ऑल राइट,
नाउ विल बी स्टडिंग इन दिस पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. अब इस पैराग्राफ में हम माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं. माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल. द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर. आपको पता है माउंटेन्स पे क्योंकि स्नो कवर्ड होते हैं. माउंटेन्स फ्रॉम द टॉप देयर स्नो कवर्ड. ठीक है, नॉट एवरी माउंटेन इज स्नो कवर्ड. बहुत हाइट पे जो माउंटेन्स होते हैं जिनका ऑल्टीट्यूड काफी ज्यादा होता है वो माउंटेन्स आपके स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं. सो दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द वॉटर. हाउ? बिकॉज ये स्नो जो है वो मेल्ट होती है एंड एज द स्नो मेल्ट्स आपको वॉटर मिलता है. मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन. रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड द वॉटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ द पीपल. वॉटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जेनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो इरीगेशन पर्पज के भी यूज करा जाता है. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है. ठीक है, जब रिवर इतना ऊपर से आती है, इतना तेजी से पानी गिरता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, टर्बाइन लगा दी जाती है. ठीक है, टर्बाइन लगा दी जाती है एंड दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड विद द हाउसेस. इनका जो पूरा कनेक्शन होता है ना वो फिर घर से होता है, फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है. द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. माउंटेन्स हैव अ वेरी रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फूडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक gum, raisin, etc. Mountains provide an idyllic site for tourists, also very important. Tourism बहुत important economic activity होती है. So mountains जो है वो tourist places भी provide करते हैं. Many people visit there. Also you see several sports like paragliding, hang gliding, river rafting, skiing. These are popular in the mountains. So this is the importance of mountains. All right. So I hope that this is clear to you. And with this, we finish our today's portion of lecture. आज का हमारा ये वाला टॉपिक भी हमने कर लिया है. We started with major landforms of the earth. And major landforms of the earth में हमने आपका पहला landform cover करा है. That is mountains. Okay? We have covered mountains. I hope that this is clear to you and it has made sense to you. So keep learning and keep revising, everyone. Thank you.